नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। संसद में राहुल गांधी के दिए गए भाषण को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि नेता विपक्ष बनने के बाद में राहुल में कोई अपरिपक्वता आई है, लेकिन उनका बयान अभी भी बचकाने से उभर नहीं पाया है। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लोहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लोहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। देखिए, राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण हैं कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनलगल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे, संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1,00,000 रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से श्री राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? कई सचने की इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है
अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो। एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पजेशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी। खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आईजीआरएस यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की गहन समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान आपको बताते चलें कि मुख्य रूप से मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आमजन की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित, आसान और पारदर्शी निस्तारण के लिए आईजीआरएस का बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसमें आमजन से कई माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण भी कराया जाए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और साथ ही शिकायतकर्ता की संतुष्टि का विशेष ध्यान भी रखा जाए। असंतुष्ट फीडबैक और स्पेशल क्लोज होने वाली शिकायतों का रैंडम गुणवत्तापूर्ण जो परीक्षण है वो भी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यालय की तरफ से हर दिन 5 शिकायतों का रैंडम आधार पर परीक्षण जो है वो किया जाएगा, आवश्यकता अनुसार मौके पर सक्षम अधिकारी को भेजकर सत्यापन कराया जाएगा। यूपीएससी ने 1 जुलाई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आपको बताते चलें कि upsc.government.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा भी देंगे। जो उम्मीदवार इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे वो परीक्षा के नियमों के अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए विस्तृत आवेदन पत्र 1 और डीएएफ 1 में फिर से आवेदन करना होगा। संघ लोक सेवा आयोग के पास में धौरपुर हाउस शाहजरा रोड नई दिल्ली में, अपने आपको बताते चले कि अपने परिसर में परीक्षा हॉल हवन के पास में भवन में एक सुविधा काउंटर भी है। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के लिए नए चुनावों को लेकर एक आम सभा की बैठक एनएक्सी मीडिया सेंटर में हुई है। इस बैठक में आपको बताते चले कि 90 राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार सदस्य उपस्थित हुए हैं। बैठक ने कोरम पूरा करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित कर निर्णय लिया है। समिति के नए चुनावों को लेकर भी जल्द से जल्द घोषणा की जाएगी और एक चुनाव को इसके लिए भी प्रस्ताव में कहा गया है कि निवर्तमान कमेटी की 2 जुलाई को बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक में आम सभा द्वारा दी गई तारीख 28 जुलाई, 4 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त की इन तारीखों में से कोई एक तारीख नए चुनाव के लिए घोषित कर देंगे।
आम सभा को सूचित भी किया जाए कि अगर इन तारीखों में से किसी एक तारीख में चुनाव नहीं कराए गए तो उसके लिए भी 3 दिन बाद आम सभा को मिले अधिकार से नए चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। बैठक में आपको बताते चले कि मौजूदा मान्यता प्राप्त सदस्यों की संख्या के 10% सदस्यों की संख्या से अधिक लोग भी उपस्थित थे जो आम सभा के कोरम को पूरा करता है। बैठक में 8 पूर्व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चलें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में की है। गौरव भाटिया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। प्रेस वार्ता जो है पश्चिम बंगाल में जंगल राज का एक उदाहरण और सामने आया है और चोपड़ा नॉर्थ दिनाजपुर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। कोड़े से पिटाई की गई है उस महिला की और एक और व्यक्ति जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो है हर चैनल पर सोशल मीडिया पर हर जगह दिखाई दे रही है और बड़ा सवाल जो आज बनता है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी ये मुद्दा बड़ी मजबूती से उठाया है और एक्स पे अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। नॉर्थ दिनाजपुर में एक टीएमसी के लीडर हैं ताजेमुल अक्का जेसीबी, ये भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। ममता बनर्जी के इशारे पर ये कहते हैं त्वरित न्याय करेंगे तालिबानी स्टाइल। ममता बनर्जी की आस्था अब संविधान में नहीं है, उन्होंने अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट दी है कि शरिया कानून लागू करो, तालिबान का राज है। खाता न बही, जो ममता के गुंडे कहे वो ही सही। सार्वजनिक स्थल पे वो एक महिला को कोड़े मार रहा है और ऐसा तभी हो सकता है जब आप टीएमसी के लीडर हो, क्योंकि आपको पता है मौन स्वीकृति है तो वो ममता बनर्जी की है। जनता बंगाल की त्रस्त है ममता बनर्जी से और ये कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये हर नागरिक के लिए पीड़ाजनक है, चिंताजनक है कि एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है वे अपनी पार्टी के गुंडों को खुली छूट देती हैं और जनता की सुरक्षा की उनको चिंता नहीं है। टीएमसी के गुंडे लीडर जो हैं उनकी सुरक्षा की चिंता है। इंसाफ दिलाना है जनता को, बचाव कर रही है टीएमसी के गुंडों का। और जैसा मैंने आपको बताया ताजिमुल, ये ताजिमुल अक्का जेसीबी
तो ये जेसीबी जो महिलाओं को प्रताड़ित करती है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करती है, ये जेसीबी पार्क कहां होती है? ये जेसीबी बुलडोजर संविधान को तार तार करने निकला है और ये पार्क होता है जाके ममता बनर्जी के घर पर, क्योंकि इनके ही विधायक हैं। टीएमसी के विधायक जिनका नाम है हमीदुल रहमान, जब इनके पास एक पत्रकार गया और उन्होंने सवाल पूछा तो इन्होंने खुले तौर पे कह दिया मुस्लिम देश के कुछ नियम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इंसाफ होता है, सार्वजनिक स्थल पे एक महिला को पकड़ो और कोड़े मारो, बेंत मारो। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए, ममता बनर्जी जी ये जेसीबी ताजिमुल अक्का जेसीबी ये आपके यहां पार्क है? दूसरा सवाल ये है, ये आपके विधायक जो हैं हमीदुल रहमान, ये आप ही की सोच क्या आगे बढ़ा रहे हैं कि किसी भी महिला को पकड़कर सार्वजनिक स्थल पर कोड़े मारो, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों के नियम के अनुसार हो रहा है? तीसरा, ममता बनर्जी आप स्वयं एक महिला हैं, आपके पास गृह मंत्रालय है और हम सब ने देखा संदेश खाली में भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी, संदेश खाली ने शाहजहां दिया और नॉर्थ दिनाजपुर ने औरंगजेब ताजिमुल दिया। मैं पूछना चाहूंगा, आज जो विपक्षी दल, जो घमंडिया संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके खड़े रहते हैं, क्या ये जो तालिबानी न्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो इससे सहमत है? ममता बनर्जी, ये मुद्दा है महिलाओं की अस्मिता और अधिकार का, ये मुद्दा है ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का, ये मुद्दा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतना लिप्त हो गई हैं कि आपको संविधान और मानव अधिकारों की चिंता ही नहीं रही है, और ये मुद्दा है कि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, ये मुद्दा है आज घमंडिया के एक एक नेता, खड़गे जी चुप, सोनिया गांधी जी महिला है शांत, राहुल गांधी के लब सिल गए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अखिलेश यादव मुंह में दही जमी हुई है, एक उनका वक्तव्य नहीं आया है, अरविंद केजरीवाल सुई पटक सन्नाटा, हमने देखा स्वाति मालीवाल जी के साथ भी क्या किया। अब बताइए, जो घमंडिया संविधान पकड़ता है हाथ में, जो संविधान की मूल भावना है उसको तार तार किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, महिला की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, और केवल भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इस मुद्दे को उठा रही है और उस महिला और उस युवक के साथ खड़ी है, क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और चिंता की बात यह है कि चाहे वो ताजिमुल हो और चाहे वो हमीदुल रहमान हो, टीएमसी के एमएलए, वो ये नहीं कहते हैं कि ये निंदनीय है, वो इसको सही ठहराते हैं, वो इसको मुस्लिम देशों में जैसे न्याय होता है उससे तुलना करके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब तालिबान राज हो गया है, अब ये कानून से नहीं चलेगा, किसी भी महिला किसी भी युवक को पकड़ो, खुद ही तय कर दो कि उसने गलत किया है और सजा दे दो। ममता बनर्जी
संदेश खाली हो, चाहे चुनाव से पहले और परिणाम आने के बाद हिंसा की वारदातें हो, बलात्कार हो, हत्या हो, और अब उत्तरी दिनाजपुर में ये जो निंदनीय कृत हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये मांग हम उठाते हैं कि ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल अब आपसे संभल नहीं रहा है, वहां की जनता ये सवाल पूछ रही है जो हम इस मंच से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून व्यवस्था और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सफल आयोजन के संबंध में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपको बताते चले कि तैयारियों की समीक्षा की है और साथ ही व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 22 जुलाई से पवित्र श्रवण मास का भी प्रारंभ हो रहा है और इस अवधि में शिवरात्रि, नागपंचमी, रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा और साथ ही परंपरागत कांवड़ यात्रा भी निकाली जाएगी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान और स्कूल चलो अभियान का आयोजन भी होना है, जिसके चलते हर किसी को सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में आपको बताते चले कि शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बाढ़ प्रबंधन और जनजीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी तैयारियों की समीक्षा की है और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले कि बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रमुख दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में व्यापक जनधन हानि के लिए दशकों तक कारक रही है। बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए भी 7 सालों में किए गए सुनियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी ने आदेश भी दिए हैं कि इस वर्ष में बेहतर कोऑर्डिनेशन, क्विक एक्शन और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित भी कराई जाएगी। प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जिले भी अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, अयोध्या, मऊ, फरुखाबाद, श्रावस्ती और बदायूं, पीलीभीत, बाराबंकी शामिल है, जबकि सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।